आज के इस वीडियो में आप देखेंगे मेरा जर्नी इंडियन निंजा एक्सपो के लिए। अभी हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पे एग्जीबिशन अटेंड करेंगे। अभी का जो सफर स्टार्ट होने वाला है उसका फुल एक्सपीरियंस आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। टोटल जर्नी और ओवरऑल जो इंडियन निंजा एक्सपो में चल रहा है उसके बारे में आपको डिटेल्स शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, एंजॉय कीजिए और इस तरह की और भी काफी सारे वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यह है इंडियन डीजे एक्सपो 2022 का एंट्रेंस और जैसे ही आप एंट्रेंस में घुसेंगे आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहां पे अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है या फिर आप अगर चाहें तो वहां पे डायरेक्टली ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और अंदर आने के बाद हमें देखने को मिलता है स्विचन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफी सारे 12 इंच 15 इंच के स्पीकर्स जो इन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ है। काफी अच्छे होते हैं इनके स्पीकर्स, इनका मिड रेंज काफी अच्छा होता है जैसे कि 12 इंच 15 इंच में, और 15 इंच में बेस भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे और भी काफी सारे स्पीकर्स रखे हुए हैं जैसे 18 इंच के भी, मेरा फेवरेट स्पीकर जो है 18PT 2000 सब, इसको भी डिस्प्ले में रखा हुआ है। अभी इनका एक नया स्पीकर भी आने वाला है, वो वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और जैसे ही ये स्पीकर एकदम से रेडी हो जाता है तो फिर इसका एक डिटेल रिव्यू भी आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ। जैसे कि ये कार स्पीकर्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको काफी सारे होम थिएटर्स के भी कार स्पीकर्स के भी रेंज आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे है इनका 18 इंच का सेक्शन, 1500 वाट, 1800 वाट, 2000 वाट और भी काफी सारे स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है एरॉन्स इंडिया का काउंटर, और जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा काफी सारे वैरायटीज के प्रोडक्ट। ये ऑडियो सेंटर के भी इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर है तो ऑडियो सेंटर्स के भी काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफी सारे नए और पुराने पावर एम्पलीफायर्स जो इनका पहले से कंटिन्यू है और जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, इनका भी काफी सारे डिटेल वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा। और इनके पास काफी सारे मॉनिटर्स भी हैं, एक्टिव स्पीकर सिस्टम्स भी हैं और इनका आउटडोर में भी डेमो रखा हुआ है तो उसका भी एक शॉट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा ऑडियो सेंटर के अभी ये इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर है तो ऑडियो सेंटर के भी काफी सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यह है ATI Pro का स्टॉल और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा काफी सारे स्पीकर्स। इन्होंने काफी सारे नए मॉडल्स को भी लॉन्च किया है जिसका काफी सारे वीडियोस जो है वो आपको डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। ATI Pro के स्पीकर्स काफी अच्छे होते हैं, काफी बजट फ्रेंडली भी है, ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छा होता है। और ये है इनका HF ड्राइवर्स, काफी सारे वैरायटीज में होते हैं और काफी सारे इंडियन पावर एम्पलीफायर भी ATI Pro लॉन्च कर चुका है जो आगे चल के हमारे चैनल में आपको देखने को मिलने वाली है, और काफी सारे पावर एम्प्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका इंटरनल कॉम्पोनेंट्स क्या है, और इसके अलावा 12 इंच 10 इंच के भी काफी सारे वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगे। और ATI Pro का लाइटिंग सेक्शन भी 2-3 साल पहले से लॉन्च हो चुका है तो आपको काफी सारे सारपीज और मिनी फर्ल पायलट 2000 इस तरह से काफी लाइटिंग इक्विपमेंट भी इनका आ चुका है तो आप वो भी देख सकते हैं। आगे चल के हम इनका डिटेल रिव्यू करने की कोशिश करेंगे।
और ये है NX Audio का एग्जीबिशन स्टॉल और यहाँ पे आपको काफी सारे स्पीकर्स देखने को मिलेंगे और NX Audio जो है वो काफी सारे कंप्लीट पैकेज में भी डील करता है, जैसे कंप्लीट सिस्टम्स होते हैं और इसके अलावा NX Audio का जो MT सीरीज है, RX सीरीज है, वो काफी पॉपुलर है। काफी पावरफुल एम्पलीफायर्स भी आपको देखने को मिलेंगे NX Audio के स्टॉल में और इसके अलावा काफी सारे नए डिजाइन के स्पीकर्स भी आपको अभी देखने को मिल जाएंगे। और NX Audio का एक दूसरा ब्रांड है जो है ब्लू बेस, और ब्लू बेस का भी काफी सारे स्पीकर सिस्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था NX Audio के स्टॉल में और आप देख सकते हैं काफी सारे कंप्लीट सिस्टम्स है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कुछ डीजे कंट्रोलर्स, डीजे मिक्सर्स, तो इनका भी डिटेल्ड रिव्यू हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके इंडियन एम्पलीफायर्स रॉक सीरीज। ब्लू बेस ये जो है ये एक प्रीमियम ब्रांड है NX Audio का, जिसमें आपको काफी हाई एंड प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों में से काफी लोग मिले हमें जिनके साथ हमने इंटरेक्ट किया और काफी अच्छा लगा आप सबसे इंटरेक्ट करने के बाद। ओवरऑल इस साल का जो एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहा। ये है बीटा 3 का काउंटर और बीटा 3 के काउंटर में आपको पता है डीटी सीरीज काफी पॉपुलर है, काफी भीड़ जमी हुई थी डीटी सीरीज की वजह से। और इसके अलावा काफी सारे मिक्सर्स भी इन्होंने लॉन्च किया है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑडियो टोन का काउंटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो टोन के काफी सारे नए मॉडल्स और कुछ कंटिन्यूड मॉडल्स जो पहले से चले आ रहे हैं। ऑडियो टोन ऑलवेज माना जाता है अपनी रिलायबिलिटी की वजह से। ऑडियो टोन की काउंटर में आपको काफी सारे वैरायटीज देखने को मिलेंगे, 12 इंच से लेके 15 इंच, 18 इंच, 21 इंच, इस तरह से काफी सारे स्पीकर्स की रेंज आपको देखने को मिलेंगे। ऑडियो टोन का जो स्टॉल है इसका जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा रहा। तो अभी तक का तो आपने ऑल ओवर एक्सपीरियंस देखा डे वन का। अभी डे टू के लिए हम जा रहे हैं, अभी निकलेंगे प्रगति मैदान और वहां पे चल के आपको और भी क्या कुछ हमें देखने को मिलता है वो दिखाने वाले हैं। तो चलिए कीप एंजॉयिंग। सो डे टू में हम लाइटिंग सेक्शन में आ गए हैं और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जिया का स्टॉल और जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं काफी सारे नए डिजाइन के सार्फीस, काफी सारे लाइटिंग इक्विपमेंट्स के और भी काफी प्रोडक्ट्स है। हो सकता है आगे कभी हम इनका डिटेल्ड कुछ वीडियोस लेके आए आप सबके सामने। और ये है स्टान, और स्टान के काउंटर में आपको काफी एंटरटेनमेंट मिलने वाली है क्योंकि इनका जो नए मॉडल्स है काफी पावरफुल है लाइटिंग में, इनका रेंज काफी अच्छा है, चाहे वो 10 आर हो, 12 आर हो, इस तरह से। और भी काफी सारे लाइटिंग इक्विपमेंट्स, लाइटिंग कंट्रोलर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा काफी सारे इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्टान का जो रिलायबिलिटी है वो हमेशा माना जाता है, स्टान के जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफी रिलायबल होते हैं, काफी हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। और इनका भी काफी डिटेल्ड वीडियो में लेके आने वाला हूँ आप सबके सामने। Thank you.
तो अभी चलते हैं हम आउटडोर सेक्शन में और सुनते हैं कुछ ऑडियो टेस्टिंग। साल का जो एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था, काफी नए प्रोडक्ट्स भी हमें देखने को मिले, लेकिन कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो है डिस्प्ले में रखा हुआ है वो आगे चल के लॉन्च होने वाली है, अभी फिलहाल के लिए लॉन्च नहीं हुआ है। और ATI Pro की तरफ से हमें सारे जो यूट्यूबर्स थे उन लोगों को भी काफी ज्यादा सम्मानित किया गया। और ये है SLV का एग्जीबिशन स्टॉल इंडियन डीजे एक्सपो 2022 में, और इनके पास भी काफी सारे वैरायटीज हैं। बाकी हमें काफी सारे प्रोडक्ट्स भी देखने को मिले, हो सकता है हम आगे हमारे चैनल पे अब तक लेके आए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।